अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान शरीफ का गिलाफ बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए ये देखो मैंने एक पीस लिया हूँ, इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से, ये 18 इंच है और इसकी लंबाई चौड़ाई सेम ही है मेरा। ये देखो 18 इंच। अगर आपका कुरान शरीफ छोटी या बड़ी है तो उसका मेज़रमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं। सपोज़ ये मेरी कुरान शरीफ की बुक है तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, क्योंकि सबके घर में अलग अलग रहती है छोटी बड़ी, तो उसका मेज़रमेंट अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले हम कुरान शरीफ को इस तरह से लेंगे, इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे 1 इंच को छोड़कर इस तरह से लेंगे ऐसा। फिर इसे देखेंगे इस तरह से, ये देखो, फिर इसे देखेंगे इस तरह से, ये देखो हमारा परफेक्ट आ रहा है ये ऐसे। तो हम इस तरह से, ये हमारा परफेक्ट है। इस तरह से आप इसका मेज़रमेंट, एक दूसरा तरीका है जिससे हम ले सकते हैं आसानी से। अब हम इसे इस तरह से साइड में करेंगे। अब ये जिस तरह से हमारा ये बना है, इस तरह से यहाँ से इस तरह से पकड़ के इसकी स्टिचिंग करेंगे, और इसकी स्टिचिंग के बाद इसकी भी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये सब कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे, और एक फोल्ड यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे जैसे हम ड्रेस की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों हम स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। ये हमने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और इसके इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे, और सेम इसी तरह से इसको यहाँ से लेकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग करके ये रेडी हो गई। ये मेरे पास वेट करो है, तो ये मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग कर दूँगी। अगर आपको डोरी लगाना है तो आप यहाँ से डोरी लगा सकते हैं। मुझे वेलक्रो का इस्तेमाल करना है तो मैं इस तरह से हम वेलक्रो लगाएंगे। इस तरह से मैंने वेलक्रो लगा दी, ये इस तरह से, ये हमारी बहुत परफेक्ट गिलाफ बन के रेडी हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।